कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। कविता जी वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखा, उसको कुछ सिखाइया। सर धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है, तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा। और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अच्छा हुआ आप इस काम को किया और आपके कारण लोग जानेंगे, कि वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं फास्ट फूड, और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा, और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। खैर, लेकिन आपने देखा होगा हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था जी, फिर से आ रहा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा, खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या कर रही हैं? मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे, उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब फ्लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी ज्वार फ्लोर काजू किशमिश क्रश करके, और इसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ, तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है। तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में, आजकल डाइटिशियन डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट्स खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।